हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मीरा बिस्ट और मैं आज आप लोगों को नंबर्स ऐड करना सिखाऊंगी। ठीक है, तो मैं इसको भी फ़िलहाल क्लोज़ करती हूँ। हम यहाँ पर है, हमने भी डेवलपर पे गए, विजुअल बेसिक पे डबल क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पे मॉड्यूल आ रहा है, इस पर डबल क्लिक करोगे यहाँ पहुँच जाओगे। इन केस अगर तुमने यहाँ पे ऑलरेडी कोई प्रोग्रामिंग कर रखी है तो इंसर्ट में जाके मॉड्यूल को ऐड कर सकते हो। सेकेंड मॉड्यूल है, डिफ़ॉल्ट आपका फर्स्ट मॉड्यूल शो करता है। तो मैं यहाँ पे गई, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं आपको बटन के थ्रू नहीं करवाई लेकिन आप चाहो तो बटन के थ्रू भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सब लिखा और यहाँ पे मैंने अपना फंक्शन का नाम लिख दिया, एट सीरियल नंबर। ठीक है, जो भी आप रखना चाहते हो। और मैंने यहाँ पे एंटर मार दिया। ओके, मैंने डिम लिया आई एस इंटीजर। ठीक है, अगर एरर आती है तो ये क्या करें, लास्ट में पहुंच जाए। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, आई किया हमने यहाँ पे इनपुट बॉक्स में एंटर वैल्यू। देखो जो यहाँ पे लिख रही हूँ वो तो आपका किस में आएगा, बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ आएगा। ठीक है, और अगर मैं कॉमा डाल के लिखती हूँ तो ये आपका क्या बन जाएगा, टाइटल एंटर सीरियल नंबर। ओके, ये आपका उस बॉक्स के टाइटल में शो करेगा। ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, डबल कोट्स डाला, बंद किया इसे। नेक्स्ट क्या आता है, हम लूप चलाएंगे फॉर आई इज इक्वल टू वन से लेके कहाँ तक चले, जहाँ तक तुम लोगों ने नंबर डाल रखा है। लाइक इनपुट बॉक्स में 10 लिखती तो वो 1 से लेके 10 तक चलेगा, इनपुट बॉक्स में मैं 20 लिखती तो 20 तक चलेगा। एक्टिव सेल डॉट वैल्यू किया हमने। ठीक है, एक्टिव सेल की वैल्यू हो जाए आपकी स्टार्ट कहाँ से, आई से। ओके, एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट किया मैंने, कहाँ तक चले ये आपका। कॉर रो इंडेक्स क्या है, 1 है आपका और 0 से। ठीक है, डॉट एक्टिवेट हो जाए आपका, कहाँ पहुँच जाए, ये फर्स्ट वाले में पहुँच जाए। ओके, फिर नेक्स्ट आई करते हैं हम लोग, जैसे हम लूप चलाते ही हैं कि ये फिर नेक्स्ट आई में जाए, उसको इंक्रीमेंट करे, 2 करे, इस तरीके से। जब लास्ट में पहुंच जाओ तो एग्ज़िट कर जाओ आप इसके सब से, यानी जो मैंने प्रोग्राम बनाया उससे एग्ज़िट हो जाए। ठीक है, F5 करके देखें, नंबर डाला मैंने कोई यहाँ पे तो ये आपका एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, ये रहा, जहाँ मेरा माउस होगा वहीं से एग्जीक्यूट होगा ये प्रोग्राम। नंबर डाला 20, 20 से एग्जीक्यूट हो गया, ये रहा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, किसी भी शीट में चला सकते हो। मॉड्यूल का यही फ़ायदा है कि मॉड्यूल में आपको ये फैसिलिटी मिल जाती है कि आप कहीं से भी चला सकते हो, ये देखो। ठीक है, अब देखो कैसे चल रहा है, मैंने आपको बताया, ये हमने नाम रख दिया अपने फंक्शन का, डिम आई एज इंटीजर ले लिया हमने। ठीक है, क्योंकि नंबर्स जा रहे हैं, एरर आएगी तो सीधा लास्ट में पहुंच जाएगा। आई में क्या डाला, इनपुट बॉक्स डाला, वहाँ पे मैंने नंबर एंटर किया। और यहाँ पे आपका देखो, जब मैंने F5 किया था, ये देखो ये रहा टाइटल, एंटर सीरियल नंबर और एंटर वैल्यू लिखा हुआ आ रहा है ना। तो ये आई से, आई स्टार्ट किया मैंने 1 से लेके कहाँ तक, आई तक चले, यानी कि जो भी नंबर है 1 से स्टार्ट होगा और जहाँ ख़त्म का करना है, जहाँ पे आई की वैल्यू आपने इनपुट करवाई है। एक्टिव सेल, जो एक्टिव सेल है उसमें आई की वैल्यू आती जाए। ठीक है, यानी नीचे जाते जाएगा उसमें आई की वैल्यू एंटर होती जाएगी। एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट, ठीक है, यहाँ से 1 से स्टार्ट करके 0 तक चलता रहेगा, आपको वो एक्टिवेट करता रहेगा। ऑफसेट क्या करता है, उसके नीचे इस तरीके से जाता है ना, फिर नेक्स्ट टाइम में इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, और फिर हमारा लास्ट में क्या होगा, एग्जिट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए मेरे इस वीडियो को और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको ऐसे अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही।